पहला तो नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यार सब लोग मस्त होंगे, सब लोग झम्मो होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जानते होंगे आज माघ का महीने का पहला पेट, तो आज मकर संक्रांति है और आज घुघुते बनाया जाता है। आज घुघुती का त्यौहार है। आज घुघुती पहाड़ में एक जाना माना त्यौहार है घुघुती का, जो आज बनाए जाएंगे। और कल सुबह कौवे को बुला के जो घुघुती है वो घुघुती जब कौवा उठा के ले जाता है, बाहर रखते हैं उसे, तब जाके और चीज़ खाते पीते हैं। तो कल कौवे का भी खास स्पेशल त्यौहार है। और कुमाऊँ में लगने वाला एक बहुत बड़ा मेला उत्तरायणी का मेला, आज उद्घाटन है उसका। इस बार कोरोना की वजह से ज़्यादा कोई धूमधाम नहीं हो पाएगी, बट दिखाएंगे तुम्हें एक बार बागेश्वर का नज़ारा वहाँ उत्तरायणी में क्या कुछ हो रहा है। और सब लोग मस्त हैं, फिर मज़े करो। आज तुम्हें दिखाएंगे कि घुघुती कैसे बनाते हैं, क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के अंत में। और लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, प्लीज़ भाई लोगों। काफ़ी ठंड है, बड़ी मुश्किल से नहाया हुआ है आज यार। बाहर तो हम तो हर दिन नहाते हैं, यहाँ अगर 3-4 दिन में एक बार नहा लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी ठंड है, आज कोहरा भी लगा पड़ा हुआ है, धूप थोड़ी साफ नहीं है। और बस मज़े करते हैं, मिलते हैं बाद में, तुम्हें घुघुतियाँ दिखाई देंगे। हैप्पी मकर संक्रांति और घुघुती की बहुत बहुत बधाई। एक बात और था यार, माघ के महीने में हमारे वहाँ बोलते हैं कि माघ और सावन का महीना खास कर माना जाता है हमारे वहाँ गांव उत्तराखंड में। माघ के महीने में जो हमारे वहाँ पे है, जैसे कि लहसुन प्याज, ये मसूर की दाल, ये वगैरह कुछ नहीं खाते हैं इसमें। मतलब सादा खाना रहता है, नॉर्मल रहता है। और क्योंकि इसमें देवी, वो आई थिंक शिव जी की पूजा होती है शायद इस महीने में, तो ऐसा है हमारे वहाँ पे माघ और सावन में हम खासकर से लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते हैं। तो भाई लोगों मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलो ऑल द बेस्ट, मज़े करो, एंजॉय करो, सिखाते हैं तुम्हें। क्यों नहीं हो वहाँ, ये पर अगले जगह ले देखो कुछ लग गया, मुस लग गए। तो शिरोन मतलब हमले जिले भाई, मतलब हमले 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 जगह जा लीजिए भाई।
हमली जी के बाद तलवार है, तलवार भोर इतनी काले का हुआ काले गुण हुए हैं झगड़ो पहले झगड़ो इन बहुत लड़ाई होने वाले तेरी भाई लोगों के बीच में सुबह सुबह फिर काले का हुआ काले का हो गए फिर दी बैठे दिन बाजार लेके जाना पे है बोला चलो फिर भी जा रहे हैं हम फिर भी दिखाएंगे हम तुम्हें बागेश्वर का दर्शन कराएंगे कल कौतिक जा रहे हैं हम फिलहाल कुकुद अभी बन रहे हैं अभी पकेंगे दो हड़क बना दिए हैं अभी फिलहाल फिलहाल दो हड़क बनेंगे फिलहाल ये किचन है कैसे भाई यार मैसूब बड़े भी वो करेली ये जगह हमारे नहीं ठंड में क्या करेंगे बल बैठी मैं घाम में उड़ना चाहिए वहाँ तो क्या बोलना तू ये देख दाड़ी में दाड़ी में दाड़ी में बढ़ाई क्यों तो दाड़ी में पागल कर दी तो जुलम से भी पागला दो अब तो की बोलो ना तलवार है गुगुद शिरून पहाड़ में मनाए जाने वाला एक विशेष त्यौहार है गुगुतिया ज्वेल बन नहीं पा रू अब ये तेल में फ्राई होंगे वो तेल में कर ली फ्राई घ्यू में कर ली वे भै बेबो को घ्यू में कर कहे थे भै पाओ भै पाओ ना है का पाओ नहीं था तुम भै कहे थे ने भै पाओ भै पाओ भी कल तो की भी दिमाग तो तू ले गो है बाबा पाक के मन मारे को पाओ ना आधे से नारंगी नारंग तोड़े बेला में नारंगी संतरा तोड़ के लाना है माला में गछाने के लिए तो अब जा रहे हैं हम नारंगी तोड़ने के लिए वाइपर से टूट जाएगा हाँ वाइपर से वाइपर ले जाते हैं टूटने के लिए क्योंकि उसको फंसाने में अच्छा से टूट जाएगा ना तो दिखाता हूँ मैं नारंग का पेड़ तुम्हें माले में नारंग भी डालते हैं बल तो तीन चार दाने नारंग का पेड़ जो मैंने लगाया था काफ़ी पहले लगाए थे नारंग का पेड़ अब मुझे नारंग तोड़ने हैं कैसे टूटेंगे अरे बेटा एक मिनट हाँ तोड़ रहा हूँ नहीं टूटे बड़े पक्के हो रहे हैं ये ले ले ये अरे बाबा देवा ये आगे नारंग ये नारंगी हाथ में अब इनको तोड़ना है एक मिनट हाँ इसको ये एक नारंग तोड़ दी हमने ये मैंने नारंगी तोड़ दी है माले के लिए ये लो आप भी खा लो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं अब इसको कल माले में खिंचाना है लास्ट में खाना तो हमें नहीं है नारंग शेरू मजे ले रहा शेरू शेरू ये मजे ले रहा है ये मजे ले रहा है शेरू ये देख ये देखो ये भी मजे ले रहा है क्या करा ये पात और ये रहे नारंगी ये रहे तिमल के पात ये रहे नारंगी अब इसको कल सुबह कौवे के लिए वो रखने तो अभी घुकते बन रहे हैं शेरा शेरू हाय बोल दे हाय बोल दे हाय हाय बोल दे हाय बोल दे ये मेरा शेरू है भाग गया बहुत नटखट है साला तो देख रहा है ऊपर बुला रहा है ऊपर चल बोल रहा है छत पे ऊपर वहाँ से देखने को देखो वहाँ से देखो क्या दिख रहा है
सुंदर सा घर, प्यारा घर, ये हमारी वादियाँ। पापा सब्जी बना रहे हैं। बोले जी का बोले जी खत नहीं रोई चक तो नहीं करो मतलब यहाँ पर थोड़ा दियो खींच दियो बाद में फिर को चक कर लो फिर कावली जी कावली जी ऐ शाबाश। आज से लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते, देखो कितना सिंपल खाना बना रखा है पापा ने, कौवे के लिए दे दिया ये। कैसे देख रहा है शेरू, शेरू हाय बोल दे, कैसा है देख देख, ये देखो ये देखो शेरू शेरू ये शेरू वो देख वो देख वहाँ देख, हेलो हाय बोल दे, हाय बोल दे दोस्तों को, हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय बोल दे, शाबाश शाबाश। नहीं 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 वो देख वो कुत्ते के वो कौवे के लिए रखा हुआ उसको खाने के लिए, देखना कैसा कर रहा है, ये देख वो देख, पहले हाय बोल दे, ये शेरू हाय बोल दे। घुघुत को फ्राई करने के लिए तेल की कढ़ाई चढ़ गई है मम्मी की, मम्मी झांझर लेके रेडी है। तीन नरेवल थोड़ा वेट करूँ उसके बाद दिखाता हूँ। पहले पूरी काव, पहले पूरी काव लीजिए, एक घुघुत ये घुघुत, ए पूरी चार चार घुघुत ए पूरी। देखा कौवे को कितनी अहमियत दी जाती है, यहाँ पहले कौवे के लिए फिर हमारे लिए, वो मतलब पहले काव के लिए दिन भगवान अच्छा मतलब आ काव देवी के पुण्य में निभाया सदा दिन भाई अच्छा काव घुघुते दिनों काव ये देखो वो तो काव नहीं हगी तो नहीं आएगी ये देखो काले के कालो कौवे के लिए काले घुघुत निकाल रखे हैं मम्मी ने भी काव लीजिए काव घुघुत निकाल ली अभी हमारी बारी आय हाय 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 ये देखो मुझे धुआं भी लग रहा है और ये जल निकाल ली गोबर निकाल ली पर जैसे निकालना नहीं यह धुंधला हालत खराब हुई इसको बैठो मैं आग लगा पर गर्म होना बहुत भयंकर बहुत ज्यादा है तेरे पौरो बैठी थों यो क्यों कम लगना था काले का हुआ काले घुघुती माला खा ले तो तू ले जा बड़ मैं कह दे जा घर यसो बनी ना ये ये गीत हमारा जब कौवे को बुलाते हैं ऐसी समथिंग ऐसी गीत है जो सुबह उठ उठ के गाना पड़ता है बहुत शर्म आती थी पहले अब तो गाते भी नहीं है पहले 5 बजे उठ के गाते थे उसके बाद जल्दी कौवे को बुला के नहा धो के फिर हमें कौतिक जाना होता था दोपहर के दिन जो कि बागेश्वर में बहुत बड़ा मेला लगता है तो अब शायद हम कल जाएंगे तो मैं कल बागेश्वर का नज़ारा दिखाएंगे तब तक के लिए मजे करो एंजॉय करो और तुम्हें खुद की माला दिखाएंगे लास्ट में थैंक यू भाइयों ये बना दी मम्मी ने घूत की माला और इसको सुबह गले में डाल के कौवों को बुलाते हैं और फिर कौवे आते हैं और एक घूत ले जाते हैं उसके बाद हम फिर हम खाते हैं उसके बाद फिर जाते हैं हम मेला। तो भाई लोग देख लियो अपनी माला है ऐसी माला बनाते हैं घुघुती में तो एक बार फिर लास्ट में सभी को मकर संक्रांति और घुघुती की बहुत बहुत बधाई जो लोग नहीं बना पा रहे और काफ़ी मिस कर रहे होंगे इसे और बहुत सारे लोगों को अपने पुराने दिन याद भी आ रहे होंगे देखो घुघुती।